राजधानी दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में दी हबैनोस कैवलरी गोल्ड कप 2024 का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच को देखने के लिए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा, इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतु धवन भी मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट में इन्हें अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। एक तो मौसम अच्छा है दिल्ली में आज, और चेतन सेठ जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत प्यार से वो बुलाते हैं, तो इसीलिए इंतजार है एक्साइटमेंट का। फाइनल मैच में विमल एरियन अचीवर्स और जिंदल पैंथर्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत बेहतरीन रही और भारतीय सेना की 5 राजपूत रेजिमेंट के आर्मी पाइप्स एंड ड्रम्स की शानदार प्रस्तुति से हुई। नवीन जिंदल जिंदल पैंथर्स की कप्तानी कर रहे थे, जबकि विमल एरियन अचीवर्स के कप्तान और कोच अभिमन्यु पाठक थे। और इस कार्यक्रम को चिंगारी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। इस दौरान जब हमने चिंगारी के प्रेसिडेंट चेतन सेठ से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक ऐसा खेल जो न सिर्फ भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की रॉयल्टी, भारत की एलीटनेस को दर्शाता है, और वो है हॉर्स पोलो। एक ऐसा खेल जिसका ओरिजिन भारत में हुआ लेकिन उसे अपनाया विदेशी देशों ने भी, तो आप समझ सकते हैं कि ये रिश्ता कितना पुराना और कितना गहरा है। और मैं एक ऐसी ही शख्सियत के साथ इस वक्त जयपुर पोलो ग्राउंड में मौजूद हूँ जिनसे हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। ये रिश्ता हॉर्स पोलो के मैदान से जरूर जुड़ा लेकिन अब ये रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ चुका है। मेरे साथ हैं चिंगारी के प्रेसिडेंट मिस्टर चेतन सेठ। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, वी हैव अ वंडरफुल डे एंड आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रियली कॉम्पिटिटिव पोलो दिस आफ्टरनून। क्योंकि कॉम्पिटिटिव पोलो की आप बात कर रहे हैं और आज का जो फाइनल मैच है वो भी बड़ा कॉम्पिटिटिव होगा, तो कौन कौन सी टीमें हैं जो फाइनल में पहुंची हैं? ये जो शानदार चमकती हुई ट्रॉफी है आज किसके खाते में जा सकती है? तो देयर आर टू टीम्स, वन इज जिंदल व्हिच इज लाइक लास्ट टाइम, यू रिमेंबर लास्ट टाइम, एंड द अदर इज अचीवर्स। सो आई एम होपिंग दैट दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड एंड दे हैव हैड अ वेरी बहुत ही डिफिकल्ट सेमी फाइनल। So I think they will be a very good match. And so is the relationship with you and the country Cuba best? Very, that's true. मैं चेतन जी, I was going through Cuba की economy कैसी है, तो what I read about Cuban economy is that कि वो वक्त बहुत मुश्किल था, इतने सारे US sanctions उनके ऊपर थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्यूबा ने अपनी इकॉनमी को प्लान्ड रखा और उस वक्त जब लोग बहुत ग्रो नहीं कर रहे थे उनकी इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही थी। क्यूबा की सिगार्स, क्यूबा की शुगर और क्यूबा में जो स्किल्ड लेबर है जैसे बैलरीना डांसर्स या प्लेयर्स स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के, दे आर सो एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, मतलब जो भी वो करते हैं कम करते हैं लेकिन परफेक्ट करते हैं। तो वो एक झलक उधर भी नजर आती है, वो एक झलक आप लोगों के एसोसिएशन चिंगारी में भी नजर आती है, और वही झलक जब मैं आपसे बात करती हूँ तो आपकी कॉन्वर्जेशन में एज अ पर्सन आप में भी मुझे दिखती है। तो आई मीन हमारा जो 25 साल का एसोसिएशन है, टू कमेमोरेट दैट हमने एक वेल नोन फोटोग्राफर को वी सेंट टू क्यूबा, वी पेड फॉर एवरीथिंग, नेम इज रोहित चावला, एंड वी आस्क्ड हिम टू शूट इन एक्चुअल एनवायरनमेंट 12 फोटोग्राफ्स ऑफ व्हिच वी मेड अ कैलेंडर। तो आप देखेंगे बाद में हम इसको लॉन्च करेंगे, जल पांडे इज़ गोइंग लॉन्च इट फॉर अस, यू विल सी दैट एवरी एरिया हैज बीन ब्यूटीफुली फोटोग्राफ्ड ऑफ एक्सीलेंस। And I wish in India we had so, India's got so much excellence, we can't compare. But for a country of 12 million people, they're doing amazingly well. इसी perfectionism की मैं बात कर रही थी। आज क्योंकि ये calendar launch भी है, जैसा कि चेतन जी ने हमें बताया, उसमें जनवरी टू दिसंबर आप जो फोटोज़ देखेंगे मंथ के साथ, वो फोटोग्राफर ने बकायदा ली है, चेतन सर की तरफ से उन्हें भेजा गया है, और उसमें भी आपको एक परफेक्शनिज्म नज़र आएगा, उसमें एक कल्चर की झलक आपको नज़र आएगी, और वही कल्चर की झलक आज हमें खेल के इस मैदान में भी देखने को मिलेगी। कहने को दो अलग अलग राइवलरीज हम देखेंगे दो अलग अलग टीमों के बीच, लेकिन वो जो एक स्पोर्ट्स कमराडरी होती है, वो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, वो भी हमें मैदान में नज़र आता है। Absolutely. I mean, the game of polo, जैसे हमने कहा था, actually originated from Manipur. और हमारा one of my intentions कि इसको इतना यहाँ पे promote करे, कि I wanted the global world to know there's an Indian sport, it's not an English sport. Actually, what happened was that from Manipur, some colonel or major during the British time, he took it, brought it there. The Maharaja started playing there. The British come निकाला तो polo लेके अपने साथ चले गए। हम वापस आ रहे हैं। That's our idea too, bringing it back.
इफ आई टॉक ऑफ दी हॉर्स गेम बेसिकली घुड़सवारी की बात करूँ या ड्रसाज की बात करूँ या इक्वेस्टेरियम की बात करूँ, हमने देखा है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स में भारत की धमक देखने को मिल रही है. अभी हमने एक ड्रसाज इवेंट में प्राइज जीता था. और जो इंडिया का यूथ है स्पेशली जो तीन ग्रुप के बच्चे हैं, they are aware of the game and not only they are aware, they are perfecting the game and they are winning. See, hamara actually my idea is also that humne to ab itne saal se ye 60 was cavalry team ko humne kiya hai. We want to expand it, like you said, to the equestrian sport. In fact, our discussion with the army today, because army is really the backbone of polo. Agar army nahi hoti polo supporter, then there would be no polo in India. But I think that, you know, in the sporting field, hum log ek medal jeete hain, shooting mein ho gaya, one, two, hum log bade. I mean, to me, it's a complete shame that we are not winning medals. And I think that, you know, when you have to have a big team where you need a large base, that's another. In cricket, we do it. And I predict that in football, will happen. Now you see people young. But I think in individual sports, we're very good. So dressage is something. One person, one horse. Like, these are the sports where we can 100% go to the top. Dressage, shooting, boxing. These are all sports, which are individual sports. There, India is very good. You put four Indians together, we start arguing. ये हाई वोल्टेज मुकाबला था और दोनों ही टीमें जिंदल पैंथर्स और विमल एरियन अचीवर्स इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार थी. जब दोनों ही टीमों के कप्तान और खिलाड़ी तैयारी कर रहे थे, उस दौरान हम दोनों खेमों में पहुंचे. हमने दोनों ही टीमों के कप्तानों और खिलाड़ियों से बातचीत की. आज मैदान में आपको मुकाबला दो बेहद ही शानदार टीमों के बीच देखने को मिलेगा. एक है विमल एरियन अचीवर्स तो दूसरी है जिंदल पैंथर्स. और इस वक्त मैं विमल एरियन अचीवर्स के खेमे में हूँ और हमारे साथ टीम के कप्तान और कोच, जो इस बार दोहरी जिम्मेदारी के साथ नजर आएंगे पिछली बार की तरह, मौजूद हैं अभिमन्यु पाठक. अभिमन्यु, वेरी वार्म वेलकम. सबसे पहले तो ये बताइए, जीत दोहराने की तैयारी पूरी है? जी जरूर, डेफिनेटली तैयारी पूरी है. हर साल की तरह ये टूर्नामेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम काफ़ी बार जीते हैं. पिछली बार भी फाइनल्स काफ़ी अच्छा हुआ था एंड हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तो होपफुली हम प्रिपेयर हैं इस फाइनल्स के लिए अगेन. अभिमन्यु, खेल में ही कहते हैं कि जीतना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जीत की कंसिस्टेंसी को मेनटेन करना. तो क्या खिला रहे हैं आप अपनी टीम मेट्स को, खासकर अपने घोड़ों को, कि वो जो जीत की कंसिस्टेंसी है वो बरकरार है साल दर साल? इस बेसिकली इस अभी खाते तो सब घोड़े सेम ही है, लेकिन ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जो भी प्लेयर्स आते हैं और जितने भी ग्रूम्स हैं, जिस तरह से विक्रम राठौर जी हर साल की तरह जो मेहनत लगती है पीछे, वो बेसिकली हम लोग उस पर फोकस ज़्यादा रखते हैं. ऑफ कोर्स जीतना हर किसी को पसंद है और कोशिश यही रहती है कि जीते, लेकिन जो मेन फोकस होता है बिहाइंड द सीन, घोड़ों की फिटनेस, प्लेयर्स की फिटनेस, टाइम पे घोड़ों को फिटनेस में लाना, वो सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं. तो उस हिसाब से आई थिंक हम लोग काफ़ी प्रिपेयर हैं इस ईयर के लिए. विमल एरियन अचीवर्स के एक और खिलाड़ी, युवा शानदार बेहतरीन प्रदर्शन जिनका आपको पोलो के इस खेल में देखने को मैदान में मिलेगा, इस वक्त हमारे साथ हैं. उनका नाम है क्रिस और क्रिस इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया. सो क्रिस, वेलकम टू इंडिया. कैसा लग रहा है भारत में आकर? Chris, welcome to India. How are you feeling here? Oh, good. Thank you. I feel very at home here. I've been coming for a while and yeah, happy to be here. Chris, what will be the strategy that we'll be seeing here on the ground? Today we play against Jindal, a tough team, very well organized. We've done a lot of battles in the past, so we know each other quite well. We need to take advantage. We've got a young player, Vishrup Bajaj, that plays well and he's on the up, so hopefully he plays above his handicap and we can help him with that, and that should give us a bit of an advantage. No, we'll have to watch out for some. Jindal ji, same team se mukabla hai, strategy mein koi change rahega? Bas strategy hamari ek hi hai ki hame match jeetna hai aur shuru se hum agar aage rahe to usse madad milti hai, kyunki unki team bhi bahut mazboot hai aur isliye bahut zaruri hai ki hum shuru se hum badhat bana ke rakhe. लेकिन एक मानसिक दबाव है, पिछला मैच वो पिछले साल जीते हैं वो लोग ऑपोजिशन के खेमे पर, कि आप सेमीफाइनल मैच बहुत अच्छा खेले. हाँ, लेकिन कोई दबाव नहीं है, हम खेलते हैं क्योंकि हम एंजॉय करते हैं खेलने को. ठीक है, अगर दबाव दबू कोई नहीं है, हम अच्छे से खेलेंगे. वो भी अच्छी टीम है
और जो भी ज्यादा अच्छा खेलेगा आज वो जीत जाएगा। अच्छी टीम का एक मैसेज है आपके, तो हमें उनकी जीत में भी खुशी होगी। बिल्कुल, अच्छी टीम का एक मैसेज है आपके लिए, डोंट प्ले टू हार्ड। नो, प्ले हार्ड बट द रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स। ओके, जो भगवद गीता का संदेश है कि हमें अपना सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, हम फल की इच्छा ना करते हुए हम अपना जो है हम कर्म करें। सीनियर प्रफोर ई, सो आई थिंक अच्छा रहेगा। और कुछ भी हो लोगों के लिए, जो दर्शक आएंगे यहाँ, हज़ारों जो दर्शक हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत ये रोमांचक मैच रहेगा। हॉर्स पोलो एक ऐसा गेम है जिसे चार भागों में खेला जाता है। इसमें चार चक्रा होते हैं, एक चक्रा 7 मिनट का होता है और एक चक्रा के बीच में ब्रेक मिलता है। चार चक्रा के इस खेल में विमल एरियन अचीवर्स ने पहले चक्रा में 2 गोल दागे, जबकि जिंदल पैंथर्स ने 1 गोल किया। दूसरे चक्रा में इस बढ़त को विमल एरियन अचीवर्स 4-1 पर ले गए। जब तीसरा चक्रा शुरू हुआ तो दबाव जिंदल पैंथर्स पर बनने लगा। जिंदल पैंथर्स ने यहां पर 1 गोल किया और विमल एरियन अचीवर्स ने अपने गोल को 4 से बढ़ाकर 6 कर लिया। तीसरे चक्रा के अंत पर स्कोर था 6-2। जब चौथा चक्रा शुरू हुआ तो जिंदल पैंथर्स पर दबाव बना था और विमल एरियन अचीवर्स ने अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को जारी रखा। चौथा चक्रा में जिंदल पैंथर्स ने अपना तीसरा, चौथा और पांचवा गोल किया, तो वहीं विमल एरियन अचीवर्स ने 1 और गोल दाग के फाइनल के इस मुकाबले को 7-5 से जीत लिया। अनदर डे, अनदर स्टार्ट एंड अनदर एंड। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं पिछले साल यहाँ पर आई थी तो चैंपियंस थे और यही चैंपियंस थे। इस बार जब मैं आई हूँ तो चैंपियंस हैं और यही चैंपियंस हैं। और मैच स्टार्ट होने से पहले टीम के कप्तान और टीम के कोच अभिमन्यु से मैंने पूछा था, अभिमन्यु जीतना तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं है, लेकिन उस जीत की कंसिस्टेंसी को मेनटेन करना ज़्यादा मुश्किल है। अब आप मुझे सच में बताइए, आप क्या खिलाते हैं इनको? नहीं, बेसिकली क्रिस मैकेंजी जो हमारे बेस्ट प्लेयर टीम में, एंड बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। जिस हिसाब से क्रिस हम तीनों को गेम में गाइड कर रहे थे और बता रहे थे कैसे क्या करना है, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है क्योंकि वो सबसे हाई हैंडीकैप के प्लेयर हैं टीम में। एंड ऐसे प्लेयर के साथ खेलने में मज़ा भी आता है और टीम अच्छी जेल करती है। आई थिंक वही रिजल्ट हुआ आज। क्रिस ने हमारी काफ़ी हेल्प करी, इवन समटाइम हम लोग प्रेशर में थे और मिस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी इंकरेज किया। जैसे मैंने आपको बताया था, इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए, एंड देन इन द एंड आई थिंक वो इंकरेजमेंट के कारण हम लोग अच्छा खेले एंड वी वन द ट्रॉफी अगेन। यस, यू वन द ट्रॉफी अगेन। और सबसे अच्छी बात इस टीम की यह, एक बार इस पूरी टीम को दिखाइए कि इस टीम में ब्लेंड है, इस टीम में अनुभव है, इस टीम में युवा हैं और इस टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कमर भी 32 है, जिनकी उम्र भी 32 है। I'll explain it to you, but Ariman, you're the youngest in the team. How do you feel playing with the people of such caliber, such sporting spirit? It's absolutely wonderful. All these players are super good at this sport, and they helped a young me to excel in the sport. And nice. I want to play with them in the future. But 32 and 32, mein you play with such stamina and such energy. We were able to see those shots. मुझे लग रहा है पूरा such big shots you were hitting. ये कहाँ से muscle power कहाँ से आ रहा है? The secret is we eat like 4 dosas every morning at the camp all together. It's the team regime. Some eggs if you're vegetarian, some potato, and that's the secret. Means you're liking Indian food? I love Indian food. And how about India? India, love it. I'm pretty local. I love India. No, I've spent a lot of time here and I enjoy the people, I enjoy the culture and the food. I love the food. I'm just trying to see who I can steal to take back to South Africa to cook me food there. Okay. So he'll be going to take the chef from India to South Africa. You please help him so that he get a good cook. Thank you so much. I'll take him, but he doesn't. But he'll help you with the cook, no? Okay. Okay. Now to you, Vishu. Vishu, the very difficult situation for you was there today because board ke exams ki bhi taiyari karni hai aur ye match bhi kisi board ke exam se kam nahi tha, bada tension tha. Lekin jo achhi cheez dekhne ko mili aapke game mein wo ye ki you guys were totally leading the game. Bada dominating play tha aapka. Nahi, aap sahi bol rahe ho, it's hard to juggle studies and polo, but when you have such a team, who support you and everything, and especially with Chris and Abhibaya, they just encourage you in whatever you do. Even if you make a mistake, even if you screw up, they always back you up. They always are there to say, come on, next play. They never shout, they never scream in a bad way.
he screams in a good way, not in a bad way, but no, it's amazing to play with such a team. But those voices were not audible there, so we didn't know. There was a lot of screaming, but he was encouraging screaming, not shouting screaming. Thank you so much, guys. Three cheers for yourself. Hip hip. Hooray. Awaaz nahi aayi. Hip hip. Hooray. Awaaz nahi aayi. India ka khana kaam nahi kar raha. Hip hip. Hooray. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Thank you very much. Congratulations.